नमस्कार। कैसी चल रही है मौसम और मानसून की स्थिति पूरे भारत में? आइए चलते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले चलते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रही। अगर हम सब डिविजनल मैप भारत मौसम विज्ञान विभाग के इस चित्र को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं, फिर से जैसे मैं कह रहा हूँ, हल्के नीले और गाढ़े नीले रंगों से जिन राज्यों को दिखाया जाता है उन जगहों में अच्छी बारिश हुई, अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। जिसमें खासकर आप देख सकते हैं अभी पूर्वी एक तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर जो राज्य की अगर बात करूं तो वहां पे गाढ़े नीले रंग और हल्के नीले रंगों से दिखाया गया लक्षद्वीप का इस एरिया को। अगर पश्चिमी तटीय राज्यों की मैं बात करूं, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और एक तरह से केरल में है, और साथ में अंडमान निकोबार में भी हल्के नीले रंगों से दिखाया गया। और बाकी जगहों की अगर मैं बात करूं, अगर उड़ीसा और दक्षिण प्रायद्वीप की अगर मैं बात करूं, इन जगहों पर भी हरे रंगों से इनको दिखाया गया। तो हम एक बार से कह सकते हैं कि भारी से भारी वर्षा अगर मैं बोलूँ तो वो आपका एक मेघालय के एरिया में दर्ज की गई है। और अगर भारी वर्षा की हम बात करें वो ईस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के इस भागों में हुआ है, और साथ ही साथ तमिलनाडु के इन जगहों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम भारी वर्षा की केवल बात करें, इसको हैवी रेन हम कह रहे हैं, वो उनकी जगह अगर हम बोले तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, बिहार, ईस्ट राजस्थान, अगर हम बात करें इन जगहों की, ईस्ट राजस्थान, वेस्ट उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे एंड अरुणाचल प्रदेश, ये आप देख सकते हैं। तो इन जगहों पे भारी से भारी वर्षा और भारी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम हैवी रेनफॉल की बात करें 24 घंटों के दौरान, जो आज 10 अगस्त 2021 को दर्ज की गई है, तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं मौसिन राम 25 सेंटीमीटर, चेरापूंजी 22 सेंटीमीटर, नैनीताल 18, भिंड 17, खेरी 16, दमोह पन्ना 15, तिरुवल्लूर 14, हमीरपुर त्रिची 12, बांदा आगरा श्योपुर 11, प्रत्येक जगह पर 11 सेंटीमीटर, धौलपुर कटनी विलियम नगर और पासीघाट में 10 सेंटीमीटर, इन सभी जगहों पे हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो आप अगर आप देखें इमेज को, जो पूर्वी राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखेंगे खासकर ज्यादातर वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम लॉन्ग पीरियड एवरेज वाली इस इमेज को देखें तो आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्य में खासकर इन जगहों पे अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं और हुए हैं अगर हम देखें इन जगहों पे। सो अब चलते हैं हम सिनॉप्टिक जो संयुक्त की परिस्थिति है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप देखें मॉनसून ट्रफ, उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जो WDA एज अ सर्कुलेशन आप देख सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस भाग में, ये थोड़ा सा करीब आता हुआ इन जगहों पे भारत के जो उत्तरी भाग में ये करीब आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अब हम मॉनसून ट्रफ की जो सबसे ज्यादा जिसके बारे में हम विश्लेषण कर सकते हैं, अगर आप देखें मॉनसून का जो पूर्वी छोर है वो पूरी तरीके से एक तरह से हिमालय की तलहटी में बंद हो गया, जिसे कहते हैं फुटिल्स ऑफ हिमालय में एकदम से वो जा लगा हुआ है। तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं पूर्वी भाग पूरी तरह से हिमालय की तलहटी में बंद हो गया, और पश्चिमी छोर की अगर हम बात करें ये सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर चला गया इन जगहों को अगर हम देखें, ये वाली जो जगह है। सो देश भर में अगर हम बात करें मानसून की जो स्थिति होगी अगले आने वाले 5 से 6 दिनों के दौरान, जो स्थिति जो कमजोर रहेगी, हालांकि पूर्वोत्तर के आसपास और पूर्वी भारत में, अगर हम पूर्वोत्तर के आसपास और पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पे जो वर्षा का जो 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 होने जा रहा है बिहार के साथ और उत्तरी इन जगहों पे तीव्र वर्षा की गतिविधियां आरंभ होने वाली है। अगर हम देखें दूसरी तरफ, अगर राजस्थान के इन भागों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बना हुआ है, साथ ही साथ जिस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की जो हम बात कर रहे हैं ये अब आप बिहार के इस जगहों पे देखने को मिल रहा है। हवाओं की ये तीव्रता भी देखेंगे लाल रंगों से यहाँ इन चीजों को दर्शाया गया है, तो यहाँ पे एक आपका साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है। आइए चलते हैं, अगर हम उपग्रह से प्राप्त मानचित्रों को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि हालांकि जो पश्चिमी भाग एक तरह से पूरी तरीके से यहाँ पे किसी भी तरह का क्लाउड की कोई उपस्थिति नहीं दिख रही है, हालांकि अगर हम पूर्वी भाग पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ छोटे छोटे क्लाउड क्लस्टर्स, एक कन्वेक्टिव सेल जिसको हम कह रहे हैं उसके रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा पूर्वी एक तरह से पूर्वी छोर पूरी तरीके से हिमालय की तलेटी में जा बसा है, तो एक तरह से इन जगहों पर वर्षा की एक्टिविटी काफी अच्छी होने वाली है। सो अगर हम साउथ ऑफ पेनिनसुला और इन जगह के दक्षिण प्रायद्वीप इन जगह को देखें तो तमिलनाडु और केरल की इस भाग में भी आपको क्लाउडिंग की स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है। साथ ही साथ अंडमान की इन जगहों पर भी अगर आप देखेंगे क्लाउड की स्थिति जमावड़ा, जिसको कहते हैं क्लाउड की जो टॉप की जो टेम्परेचर होता है वो -60 से -80 डिग्री सेल्सियस तक भी देखा जा रहा है, खासकर पर्टिकुलर अगर हम इन जगहों को देखें अंडमान और निकोबार के इन भाग को। आइए चलते हैं, जैसा कि मौसम की चेतावनी आने वाले 24 घंटों में क्या रहेगा, आप देख सकते हैं पूरी
तरीके से पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में ही सबसे ज्यादा गतिविधियां देखने को मिल रही है, चूंकि मानसून ट्रफ आगे जा चुका है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार के ऊपर बना हुआ है। लेकिन अगर पश्चिमी भाग की बात करें आप देखेंगे पूरी तरीके से हरे कलर में दिखाया गया, जहां पे कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी या वर्षा की जो जो गतिविधियां हैं वो कम रहने जा रही, जैसा कि आप इस आने वाले 24 घंटे के इस चित्र में देख सकते हैं। अब आप चलते हैं कि हैवी से हैवी रेन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इन जगहों पे असम मेघालय में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर भारी वर्षा की बात करें ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश, इस वाला ये वाले भाग, छत्तीसगढ़, बिहार, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश, अगर हम बात करिए कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला एंड माहे, तो ये पूरे जो भाग आप देख रहे हैं पीले कलरों से रंगों से दिखाया गया, साथ में एक जगह पर अरुणाचल मेघालय में भारी से भारी वर्षा दिखाई गई है। तो ये रहेगा 24 घंटे का आने वाले पूर्वानुमान की बात कर रहे हैं हम। अगर हम विंड की हवाओं की तीव्रता की बात करें 40 से 50 किलोमीटर पर आवर, गस्ती 60 किलोमीटर पर आवर की बात करें, सो ये मुख्य रूप से ये अगर आप देखें साउथ वेस्ट और वेस्ट अरेबियन सी में देखने को मिल सकती है, और साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल इन जगहों पे, और साथ में साउथ अंडमान सी आप देख सकते हैं हवाओं को, इनको चित्रों में भी दिखाया गया, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाई जा रही। सो साथ ही साथ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी, चूंकि मानसून ट्रफ या आपके एक तरह से फुटहिल्स ऑफ हिमालय या हिमालय की तलहटी में जा बसा, सो हम कह सकते हैं थंडरस्टॉर्म की स्थिति आपकी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और एक तरह से पूरा पूर्वोत्तर राज्य, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करें तेलंगाना, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल। तो एक तरह से आपकी वर्षा के साथ साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की एक्टिविटीज भी इन जगहों पे रहने जा रही है। आइए चलते आने वाले 5 दिनों का पूर्वानुमान क्या होने जा रहा है। जैसा कि हमने 10 तारीख की बात की, पूरी तरीके से पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी राज्य, खासकर से मध्य भाग और दक्षिण प्रायद्वीप की इन जगहों को बताया गया। अगर हम 11 तारीख की बात करें आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों को रेड अलर्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, साथ में बिहार को भी ऑरेंज अलर्ट 11 तारीख को दिया गया। 12 तारीख की भी जो स्थिति दिख रही है बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। 13 की स्थिति भी आपकी पूर्वोत्तर राज्य को है और 14 की स्थिति भी पूर्वोत्तर राज्य में। कह सकते हैं अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा का गतिविधि की जो वर्तमान दौर जारी रहने की संभावना है। 10 से 13 अगस्त के दौरान असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। 11 से 12 अगस्त को बिहार के ऊपर अलग अलग भारी वर्षा इन जगहों पे, ऊपरी जगहों पे होने की संभावना है। 13 और 14 की अगर हम बात करें, 13 और 14 अगस्त, तो 13 14 अगस्त के दौरान उत्तराखंड और 12 से 14 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश में छिटपुट भारी वर्षा होने की संभावना है। सो अगर हम पूरी तरीके से अगर 5 दिन के पूर्वानुमान के चित्र में जाएं तो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके, अगर मैं खासकर बात करूं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य भारत से सटे मैदानी इलाकों और महाराष्ट्र, गुजरात राज्य सहित प्रायद्वीप, ये जो ये वाले भाग की मैं बात कर रहा हूँ, प्रायद्वीप भारत के अधिकांश हिस्सों में तमिलनाडु और केरल को छोड़कर बाकी हिस्सों में बहुत कम बारिश होने वाली है। सो ये यहाँ पे एक जानकारी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगले 5 दिनों के दौरान अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, तमिलनाडु, केरल में भारी वर्षा होने की संभावना है, जैसा कि आप देख सकते हैं इन चित्रों में इन जगहों पे दिखाया जा रहा है। सो अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, केरल के व्यापक वर्षा या भारी वर्षा होने की संभावना, और अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु में और 2 दिन के दौरान केरल में भारी वर्षा हो सकती है। तो ये एक तरह संपूर्ण भारत का आने वाले 5 दिन का अनुमान हुआ। अगर आपने अभी तक मौसम के ऐप डाउनलोड नहीं किए तो आप तुरंत इन ऐप्स को डाउनलोड करिए। हमारे स्थानीय पूर्वानुमान जानने के लिए आप हमारे स्थानीय वेबसाइट पर लॉग कर सकते हैं, आप ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब के इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।